तो भाई अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, स्पेशली व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू डिटरमिन द रीजन व्हाई योर हेयर गेट्स टैंगल्ड ऑल द टाइम। तो सिर्फ मॉर्निंग्स में ही नहीं, अगर पूरे दिन भी तुम देखो तो तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए रह सकते हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग टू योर हेयर, तुम्हारे बाल क्यों उलझ रहे हैं पूरे दिन नो मैटर व्हाट यू डू फॉर देम। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस बीइंग लैक ऑफ हाइड्रेशन। अगर तुम्हारे बालों में इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, अगर तुम्हारे बाल सही से मॉइस्चराइज्ड नहीं है, देन दे आर गोइंग टू बी ड्राई एंड देयर इज गोइंग टू बी सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर तुम्हारे बालों में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, बहुत ज्यादा ड्राई रहेंगे तुम्हारे बाल, तो ऑफ कोर्स वो आपस में उलझ जाएंगे। और ये तभी होगा जब तुम्हारे बालों में इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। अगर तुम अपने बालों को सही से मॉइस्चराइज नहीं रखते हो, सही से हाइड्रेटेड नहीं रखते हो, तो तुम्हारा हेयर शाफ्ट ब्रेक हो जाएगा। एंड हेयर शाफ्ट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स that is present above your roots. So cuticle, medulla, cortex, all three of these are actually the part of hair shaft. और अगर तुम्हारा हेयर शाफ्ट ब्रेक हो गया तो तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा डल लगेंगे, बहुत ज्यादा डैमेज रहेंगे, बहुत ज्यादा ड्राई रहेंगे, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन उनके बीच में होगी, which is going to lead to knots. और एक बार को अगर हम इस चीज को नजरअंदाज भी कर दें कि लैक ऑफ हाइड्रेशन की वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो भी अगर तुम्हारे बालों में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो तुम्हारे बालों की कंडीशन को बहुत ज्यादा डिटोरिएट करेगा और तुम्हारे बाल वैसे भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर तुम्हारे बाल छोटे हैं अभी और वो फंस ही नहीं सकते आपस में, तो भी अगर तुम अपने बालों को हाइड्रेटेड नहीं रखते हो तो उनकी कंडीशन वैसे भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द मॉइस्चराइजर्स एंड कंडीशनर्स, तुम्हें ज्यादा पानी पी के अपनी बॉडी को पहले मॉइस्चराइज रखना है, so that the body can give enough moisture to our hair. अगर तुम्हारे बॉडी में पहले से ही मॉइस्चर की कमी है, पहले से ही पानी की कमी है, तो बालों को तो बॉडी एंड में देती है जो भी चीज हमारे बॉडी में रह जाता है। तो सबसे पहले अपने बॉडी के वाटर नीड्स को खत्म करना है, बाद में ऊपर से कुछ लगाना है, एंड दैट इज हाउ यू कीप योर हेयर मॉइस्चराइज्ड। और बालों में चाहे तुम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करो, हमेशा अपने हेयर एंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, जिससे कि वो अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहे, अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज हेयर ऑयल्स आर एक्चुअली एबल टू पेनिट्रेट डीप इनटू आवर हेयर स्ट्रैंड्स and thereby moisturizing and hydrating them from within. Now, lack of hydration is one of the reasons why your hair gets tangled. But इसके अलावा अगर तुम अपने बालों को पूरे टाइम ओपन रखते हो या फिर तुम ओपन हेयर करके सोते हो, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टैंगलिंग हो सकती है तुम्हारे बालों में और वो आपस में उलझ सकते हैं बहुत ज्यादा। अगर तुम ओपन हेयर करके सोओगे तो ऑफ कोर्स सारे बाल तुम्हारे आपस में रगड़ते रहेंगे रात भर, एंड यू विल इवन नो दैट। और स्पेशली अगर तुम गीले बाल करके सो गए रात में, तो भाई उन बालों को सुलझाने से अच्छा हुआ तुम उनको काट दो, इतने ज्यादा उलझ जाएंगे तुम्हारे बाल। तो अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो ओपन हेयर करके नहीं सोना है, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू मेक some really messy knots in your hair. If they're long enough, तुम कोई loose bun बना सकते हो before you go to bed, और या फिर तुम अपने बालों में braids बना सकते हो, no matter what you do, खुले बाल करके नहीं सोना, otherwise that is going to really mess up your hair. और वैसे भी अगर सुबह तुम्हारे बाल नहीं भी उलझे हैं, तो भी वो रात भर एक दूसरे से रगड़ रहे थे, and that is going to damage your hair a lot. तो भाई खुले बाल करके तो नहीं सोना है, no matter what you do. Now another reason why your hair may get tangled is not combing your hair enough. अगर तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं और हर दिन तुम एटलीस्ट दो बार अपने बालों को कॉम नहीं कर रहे हो, then of course there are going to be knots and kinks in your hair. Like think about it, जितनी बार तुम अपने बालों को कॉम कर रहे हो, उतनी बार तुम सारे बालों को सेपरेट कर रहे हो एक दूसरे से, thereby preventing them from making knots. अगर तुम अपने बालों को ब्रश ही नहीं करते हो, अपने बालों को कॉम भी नहीं करते हो, तो ऑफ कोर्स दिन के कोई ना कोई टाइम पे वो आपस में रगड़ेंगे और वहीं के वहीं वो उलझ जाएंगे। और इसी कंडीशन में अगर तुम्हारे बाल डिहाइड्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा डैमेज्ड हैं, तो भाई मे द गॉड सेव यू। और वैसे भी अगर तुम अपने बालों को रेगुलरली कॉम नहीं करते हो, रेगुलरली ब्रश नहीं करते हो, तो उससे जो भी तुम्हारा ऑयल बिल्डअप हो गया है हेड में, वो तुम्हारे बालों की हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे हेड के पास रूट के आसपास वाले एरिया में बहुत ज्यादा ऑयल्स प्रेजेंट है, वहां के बाल बहुत ज्यादा नरिश्ड है, पर जो भी तुम्हारे एंड्स के बाल हैं ड्राई, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा। अगर तुम रेगुलरली अपने बालों को कॉम करोगे तो तुम्हारा सारा ऑयल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा थ्रू आउट योर हेयर लेंथ, पर अगर तुम कॉम नहीं करोगे तो वो सारा ऑयल तुम्हारे हेड में ही रह जाएगा और तुम्हारे हेयर एंड्स को कोई बेनिफिट उससे नहीं होगा। तो कॉम करने से हमारे बाल दो तरीके से बचते हैं फ्रॉम टैंगलिंग। पहली बात, जब भी तुम अपने बालों को कॉम करोगे तुम्हारे सारे बाल सेपरेट हो जाएंगे, और दूसरी बात जब भी तुम कॉम करोगे तुम्हारे सारे नेचुरल ऑयल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट योर हेयर लेंथ, एंड दैट इज गोइंग टू नरिश योर ड्राई एंड्स,
and thereby preventing them from forming knots. Now you see, no matter how much you comb or moisturize your hair, if you've got dry ends, damaged ends or split ends, they are going to tangle up no matter what you do. अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा ही damaged हैं, बहुत ज्यादा ही उनमें split ends हैं, बिल्कुल dry हो चुके हैं, then of course there's going to be way more friction in there. जितने ज्यादा बाल dry होंगे, उतना ज्यादा friction होगा और उतने ज्यादा वो आपस में उलझेंगे. And same goes for the split ends. Now, अगर तुम्हारी ऐसी ही कोई situation है कि no matter how much you are oiling your hair, वो आपस में उलझ ही जाते हैं, then the only solution for you to get them trimmed. Now, if you're still growing out your hair, थोड़ा थोड़ा सा trim करवा लो अपने बालों को. That is going to help a lot in that tangling situation. Maybe half an inch or something like that. But बहुत ज़्यादा मत कटाना भाई अपने बालों को, because you are growing it out. So untrimmed dry ends also cause more tangling. Now finally we've got damaged cuticles. अगर तुम्हारा hair strand बहुत ज़्यादा damaged हो गया है, अगर तुम्हारे hair cuticles बहुत ज़्यादा damaged हो गए हैं, if you use heat styling or blow dryer, तुम्हारे बालों का जो outermost layer होता है, that is the cuticle, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा और एक्चुअली वो वहां से हट ही जाएगा. सो हीट स्टाइलिंग एंड ब्लो ड्राइंग मेक्स योर हेयर शाफ्ट ब्रेक एंड कॉज फ्रिक्शन रिजल्टिंग इन नॉट्स. तो जब हमारे बालों की आउटर मोस्ट लेयर एक्सटर्नल लेयर स्क्रैप ऑफ हो जाती है वहां से, तो हमारे बालों का अंदर का जो लेयर होता है, दैट इज कॉर्टेक्स, वो बाहर एक्सपोज हो जाता है. और क्योंकि हमारे बालों की आउटर मोस्ट लेयर वहां से हट चुकी है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो चुकी है, हमारा जो इनर लेयर होता है कॉर्टेक्स, वो अनप्रोटेक्टेड रह जाता है. एंड दिस एक्सेलरेट्स द डैमेज ऑन द क्यूटिकल्स. और जितना ज्यादा क्यूटिकल्स डैमेज रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे बाल उलझेंगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतने ज्यादा ड्राइनेस होगी, thereby making our hair even more messy. So these were the root causes why our hair gets tangled. I hope अब तुम अपने बालों को बचा सकोगे उलझने से. And with that being said, I'll catch you in the next one.